ले लेता है, इसी को हम लोग सिंधे को ले लेते हैं, लेकिन हम लोग दोनों प्रोजेक्ट का पानी कवर करेंगे तब ना सिंचाई युक्त करेंगे, नहीं समझे। मूल रूप से और एक नदी आकर के यहाँ गिरती है, और भी यदि छोटा नदी है वहाँ पे एक नदी है छोटा सा बनास, बनास का भी पानी लेता है, ये ऊपर से आती है यहीं पे काली सीमा। अरे हाँ, ये मिला, ये पानी ये स्टॉक कर लिया, फिर छिपरा का कर लिया और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट दे दिया, और ये प्रोजेक्ट से तीन नदी का पानी मिल गया, और चंबल का तो ऑलरेडी था ही था, तो उससे हम लोग सिंचाई के लिए ज़्यादा प्रयुक्त हो सकते हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, यहाँ से एक नदी निकलेगी और उस नदी का नाम क्या होगा बोलो बाबू, चंबल के बाद कौन सा है? बेतवा। ये कौन सी नदी है? बेतवा। ये कहाँ मिलेगा बाबू? ये मिलेगा तुमको फतेहगढ़। कौन सा गढ़? फतेहगढ़। बेतवा के किनारे एक प्रमुख शहर कौन सा है? विदिशा। अब विदिशा में तुमको क्या मिल जाएगा? सांची स्तूप। स्तूप क्या है? बुद्ध के निर्माण के बाद उनकी अस्थि है, अस्थियां भारत के 8 जगहों पर रखी गई। ओके, चल नेक्स्ट। यहां पे मध्य प्रदेश में ही तुमको मिलेगा मेहर का क्षेत्र, ये कलर हम चेंज कर रहे हैं, मेहर का क्षेत्र, और यहां से एक नदी निकलेगी और उस नदी का नाम क्या होगा? केन। और ये कहां जाकर के मिलेगी? तो उत्तर प्रदेश के सूरजगढ़ में, अब बोलिए तो बाबू, देखिए तो ध्यान दीजिएगा, तो यमुना किसकी सहायक नदी हो गई? गंगा की। अब यमुना की सहायक कौन सी नदी हो गई? चंबल, बेतवा और केन। अब चंबल की सहायक नदी कौन सी हो गई? काली सिंध, छिपरा, पार्वती और सिंध, ऐसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, बिंध के क्षेत्र से एक नदी निकलेगी, और उस नदी का नाम क्या होगा? कौन सा? तमस। बिंध के क्षेत्र से, बिंध श्रेणी के क्षेत्र से एक नदी निकलेगी और उस नदी का नाम है तमस। कौन सा नाम है? तमस। और ये कहाँ जाकर के मिलेगी? बाबू, तो ये तुमको बनारस के पास जाकर के मिलेगी। अब यहां ध्यान देना, ये वाला इलाका है मेरा अमरकंटक का पठार। कौन सा पठार? फिर से बोलो। अब अमरकंटक का पठार कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ इसको हम लोग इधर रायपुर का पठार भी बोल देंगे, इस अमरकंटक के पठार से तीन नदी का ओरिजिन प्लेस है, एक जो उत्तर की ओर जाती है, जो किसी की क्या है? सहायक नदी है। एक स्वतंत्र रूप से कहाँ? बंगाल की खाड़ी में जाती है, और एक किधर जाती है? अरब सागर में जाती है। अरब सागर में गिरने वाली नदी है नर्मदा, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है महानदी, और ये किसी की सहायक नदी बन गई, कौन सी? सोन। एकदम विपरीत दिशा से बह करके आ रही है। ये है अमरकंटक का पठार, अमरकंटक के पठार के पास ही तुमको रायपुर का पठार मिल गया। अब यहां से तुमको तीन नदी का ओरिजिन मिला, ये दोनों नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाके गिरेगा। कौन सी नदी है ये? महानदी। ये कौन सी नदी है? नर्मदा। लेकिन सोन बोला हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे, हम गंगा मैया के साथ जाएंगे। बात समझ में आया? ये गंगा में आकर के मिली कहां? पटना के पास। इसी सोन नदी के किनारे तुमको क्या मिलेगा? प्रमुख शहर रॉबर्टगंज। रॉबर्टगंज
रॉबर्ट गंज, जहां तुमको क्या है बाबू, भेल का संयंत्र है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, है ना, यही वो जगह है भेल वाला। चल रेणुकूट, स्पेशल कौन सा जगह है ये, रेणुकूट का। जी जी जी, रॉबर्ट गंज एक बड़ा जगह हुआ, छोटा जगह हो गया रेणुकूट। ओके चले आगे बढ़े। इसकी एक छोटी सी सहायक नदी है रिहंद, कौन सी, रिहंद। इसकी एक छोटी सी सहायक नदी है रिहंद। ओके कोई दिक्कत, चल रिहंद पर ही है रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना जी जी जी, यह उत्तर प्रदेश की परियोजना है। इसको रिहंद नहीं नाम दे करके क्या नाम दे दिया है, गोविंद सागर परियोजना। दोनों यदि कुछ भी पूछेगा ना, गोविंद सागर परियोजना किस नदी पे है तो बता दीजिएगा, रिहंद परियोजना किस नदी पे है तो बता दीजिएगा, रिहंद नदी के नाम पर है, वहां का आदमी इसको बोलता है रिहंद परियोजना। यहां एक नदी है बराकर, कौन सी नदी है, और एक नदी कौन सी है, दामोदर, दामोदर। ये दोनों कहां से निकली बाबू, तो छोटा नागपुर का पठार से, कहां से, छोटा नागपुर के पठार से, छोटा नागपुर के पठार से एक नदी कौन आई, बराकर। दूसरी नदी कौन सी है, दामोदर। और जहां पे दोनों मिली है वहीं पे एक परियोजना है, उस परियोजना का नाम है DBC, दाल भात चोखा परियोजना। कौन सा परियोजना, दामोदर भेली कॉरपोरेशन, दामोदर भेली कॉरपोरेशन, दाल भात चोखा लिखी थी। अब ये दामोदर के नाम से कहां जाकर के मिली बाबू, फरक्का के पास, फरक्का के पास जाकर के मिली।